ने कहा इदम इस तू लेकिन ते तुम्हारे लिए गुह्य तमाम अत्यंत गुह्य प्रवक्ष्यामि कह रहा हूँ ईर्ष्या न करने वाले को ज्ञानम ज्ञान को विज्ञान अनुभूत ज्ञान सहितम सहित यत जिसे ज्ञातवा जानकर मोक्ष से मुक्त हो सकोगे अशुभात इस कष्टमय संसार से। हाँ श्री भगवान ने कहा हे अर्जुन चूंकि तुम मुझसे कभी ईर्ष्या नहीं करते इसलिए मैं तुम्हें यह परम गुह्य ज्ञान तथा अनुभूति बतलाऊंगा जिसे जानकर तुम संसार के सारे क्लेशों से मुक्त हो जाओगे। तो भगवान अर्जुन को क्यों ज्ञान दे रहे हैं? अर्जुन को क्यों ज्ञान दे रहे हैं? क्या बताया भगवान कि मैं तुम्हें ज्ञान क्यों दे रहा हूं? क्या लिखे थे? क्यों ज्ञान दे रहे हैं अर्जुन को? पढ़िए अर्जुन के क्या क्वालिफिकेशन है कि भगवान उसको ये ज्ञान दे रहे हैं? हाँ वेरी गुड अनसूयवे चूंकि तुम मुझसे कभी ईर्ष्या अगर मान लीजिए आपको स्टूडेंट आपको पढ़ेगा और आपके पढ़ के आप ही गोली मार देगा तो आप उसको सिखाएंगे क्या? तो वैसे ही जो लोग ईर्ष्या करते हैं भगवान उसको सिखाना कि देखेंगे इसको सिखाएंगे तो मेरे पर ही मेरे कोई परेशान करेगा इसलिए भगवान दिव्य ज्ञान उन्हीं को देते हैं जो ईर्ष्या नहीं करते। और अर्जुन भगवान से ईर्ष्या नहीं करते इसलिए भगवान अर्जुन को ये ज्ञान और ये ज्ञान मिलेगा तो क्या होगा? ये ज्ञान प्राप्त करके अर्जुन क्या कर पाएगा? हाँ वेरी गुड सारे क्लेशों से मुक्त। कितने लोगों के जीवन में क्लेश है कि नहीं? हाँ तो क्लेशों से मुक्त होना है तो क्या करना पड़ेगा? ज्ञान तात्पर्य पढ़िए सूरज को जोर से। जो जो भगवान के विषय में अधिकाधिक सुनता है त्यो वह आध्यात्मिक प्रकाश आत्म प्रकाशित प्रकाश हो जाता होता है। श्रवण विधि श्रीमद् भागवत में इस प्रकार अनुमोदित है भगवान के संदेश शक्तियों से पूरित जिनकी अनुभूति तभी होती है जब भक्त जन भगवान संबंधी कथाओं की परस्पर चर्चा करते हैं। इसे मनोधर्मियों या विद्यालीन विद्वानों के सानिध्य से नहीं प्राप्त किया जा सकता क्योंकि यह अद्भुत ज्ञान विज्ञान है। भक्तगण परमेश्वर की सेवा में निरंतर लगे रहते हैं। भगवान उस जीव विशेष की मानसिकता तथा निष्ठा से अवगत रहते हैं जो कृष्ण भावना भावित होता है और उसे ही वे भक्तों के सानिध्य में कृष्ण विद्या को समझने की बुद्धि प्रदान करते हैं। कृष्ण विद्या कृष्ण की चर्चा अत्यंत शक्तिशाली है और यदि सौभाग्यवश किसी को ऐसी संगति प्राप्त हो जाए और वह इस ज्ञान को आत्मसात करे तो वह आत्म साक्षात्कार की दिशा में अवश्य प्रगति करेगा। कृष्ण अर्जुन को अपनी अलौकिक सेवा में उच्च से उच्च स्तर तक उत्साहित करने के उद्देश्य से इस नवे अध्याय में उसे परम गुण बातें बताते हैं जिन्हें इसके पूर्व उन्होंने अन्य किसी से प्रकट नहीं किया। हाँ तो यह ज्ञान चैप्टर का क्या नाम है? परम गुह्य बोल रहे हैं। ये गुह्य मतलब गुप्त तो परम गुप्त ज्ञान है ये सबको ज्ञान। तो अब तो गीता अवेलेबल है बाजार में हम खरीद लेंगे तो हमको नहीं मिल जाएगा ज्ञान तो परम गुह्य कैसे रहा? यह ज्ञान बोल रहे परम गुह्य है तो हम तो गीता खरीद के पढ़ लेंगे तो गुह्य कैसे रहा? नहीं समझ रहे? समझ में नहीं आए? समझ रहे? जैसे आप एटीएम आपको मिल गया किसी का लेकिन पासवर्ड होता है ना एटीएम मिलने से क्या होगा? तो वैसे गीता आप ले भी आएंगे लेकिन भगवान बोलते हैं नवा अध्याय
भगवान की जो ऐश्वर्य शक्ति का ज्ञान है अब समझ में नहीं आएगा। जब तक आप भगवान से प्रेम नहीं करेंगे समझ में आएगा। जैसे माता जी को सोम पापड़ी बनाना आता है मान लीजिए विशेष, समझ रहे हैं, लेकिन कोई उनसे आपको आता है लेकिन कोई जबरदस्ती नहीं सीख सकता। आपकी इच्छा होगी तो आप किसी को सिखा तो कैसे उसको कितना पाक बनाना है, कैसे करना है, क्या करना है, कितना, समझ रहे हैं, जब कोई हलवा बना है कब उसमें चीनी डालना है, कितना सिझाना, मतलब कितना उसको लाल करना, मतलब तो जिसको सिखाना आप चाहें उसको आप सिखा, जबरदस्ती कोई सीखना, समझ रहे हैं। तो वैसे यह जो ज्ञान है बड़ा, इसको प्राप्त करने से आदमी का सब कष्ट से उसे मुक्ति हो जाएगी। तो इसलिए बोले ज्यो ज्यो भक्त भगवान के विषयों में, तात्पर्य में पढ़ रहा हूँ, ज्यो ज्यो भक्त सुर से पढ़ रहा हूँ, ज्यो ज्यो भक्त भगवान के विषयों में अधिकाधिक सुनता है त्यों तो वह आत्म प्रकाशित होता। जितना आप श्रवण करेंगे उतना आपकी भक्ति, आज मेरी भक्ति कैसे बढ़ी, मैं BHU में था वहाँ पर भक्तों के मुख से सुनता था, तो सुनने से मेरा धीरे धीरे भक्ति बढ़ने, पहले भगवान को नहीं मानता था लेकिन सुना तो लगा नहीं ठीक बोल रहे, मुझे लगता भगवान चोरी करते हैं, मक्खन चोरी करते हैं, गोपियों के साथ गलत कर रहे हैं, सुनने से नहीं भगवान दिव्य है। नॉर्मल आदमी उतना को मार के उन्होंने क्या किया, उसको माँ की गति दे दी, उतना का जहर पिलाने आए थे उसको क्या दे दिया, तो धीरे धीरे भगवान ने गोवर्धन उठा लिया। तो इसलिए धीरे धीरे सुनने से क्या होता है, हमारी आत्म प्रकाशित होने लगती है भक्ति। यह श्रवण विधि श्रीमद् भागवतम में इस प्रकार अनुमोदित है, भगवान के संदेश शक्तियों से पूरित होते हैं, जिनकी अनुभूति तभी होती है जब भक्त जन भगवान संबंधित कथाओं की परस्पर चर्चा करते हैं। इसलिए भक्ति बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा, भक्तों को भगवान की कथा सुननी पड़ेगी। मंदिर में घंटी बजाने से भक्ति नहीं बढ़ती, पुण्य मिलता है लेकिन भक्ति नहीं बढ़ती। भक्ति बढ़ती है भक्तों के संग में भगवान के गुणों की चर्चा। इसलिए लोग 20-20 साल मंदिर जाते घंटी बजाते आते हैं लेकिन उनका हृदय बदलता, वृंदावन जाते हैं राधे राधे लिखा लेंगे मंदिर में दर्शन करके आ जाएंगे बाकी बिहारी का, और फिर मैं देखा एक आदमी को दर्शन करके आ रहा है और पॉकेट से निकाला एक पाउच महाप्रसाद का, उसका नाम था रजनीगंधा, और पत्नी को बोलता तुम भी खाएगी क्या, जस्ट किसका दर्शन लेके आया है, बाके बिहारी गाता है, बाके बिहारी लाल नजर तुझे लग जाए, और उसके बाद ही क्या कर रहा है रजनीगंधा खा। तो इस प्रकार से जब तक हम भक्तों के सानिध्य में भगवान की लीलाओं को नहीं सुनेंगे, चर्चा नहीं करेंगे, तब तक भक्ति बढ़ेगी। इसे मनोधर्मियों या विद्यालय विद्वानों के सानिध्य से नहीं प्राप्त किया जा सकता, क्योंकि यह अनुभूत ज्ञान, कोई बोलेगा स्कॉलर लोग से समझ जाएंगे, बड़े बड़े पंडितों से, पंडित लोग नहीं समझ, जिसको भगवान के प्रति प्रेम है वही आपको, कुछ लोग पैसा ले कथा करते हैं भागवत की कथा बोल देंगे लेकिन उनके बोलने से हृदय में भक्ति जागृत, जिसने भगवान की अनुभूति की है जैसे प्रभुपाद जी ने, तो वो जब बोलते हैं तो हृदय में क्या होता है प्रभाव पड़ता। इसलिए बोल रहे हैं ये अनुभूति का ज्ञान, केवल ड्राई ज्ञान नहीं कि मैथमेटिक्स तो कोई भी सिखा देगा 2+2=4, लेकिन भगवान का नाम लेंगे तो भगवान आदान प्रदान करेंगे, ये सब चीज़ का ज्ञान अनुभूति है कि भगवान ने द्रौपदी के लिए क्या किया था, उसकी रक्षा की थी वस्त्र देकर, गजेंद्र को पकड़ लिया था कौन, मगरमच्छ, तो भगवान ने आके उसकी रक्षा की। तो इस प्रकार से यह जो ज्ञान है ये भक्तों के द्वारा सुनना चाहिए। भक्तगण परमेश्वर की सेवा में निरंतर लगे रहते, और भक्त का क्या परिभाषा है, वो भगवान की सेवा करते। अगर कोई मान लीजिए बहुत बड़ा स्कॉलर है, एक बार एक भक्त थे, उन्होंने देखा कि विदेश में उनको एक एड्रेस मिला कि किसी ने वैदिक साहित्य में PhD कर रखा था,
जीव गोस्वामी की पुस्तकों पर क्या कर रखा था, उसने PhD कर रखा था। तो उनकी इच्छा हुई भाई बहुत बड़े भक्त में मिल के आता हूँ। तो जब घर गए उनके बाहर तो देखे कोई भी वैष्णव का तो चिन्ह, बेल खटखटाए तो आदमी खोला, पैंट शर्ट पहना हुआ, तिलक भी नहीं, कुछ भी नहीं। बोले हो सकता वैष्णव। बोले आप मिस्टर दुबे हैं? बोला हाँ हाँ, हम मिस्टर डिसूजा हैं, जो भी उनका नाम था। बोले कि अरे आप जीव गोस्वामी के पुस्तक को जानते हैं? बोला हाँ हाँ, मैं तो पुस्तक को जानता हूँ। तो बोले कि आपने लिटरेचर में PhD? बोला हाँ। तो फिर आप हरे कृष्णा जप करते? बोलते नहीं, हरे कृष्णा जप नहीं करता। और देखते दारू पी रहा हो, और उसकी गर्लफ्रेंड भी। बोले अरे, बोलता मुझे आता सब है लेकिन वो फॉलो, तो इसको बोलते पंडित, ये भक्त नहीं है। तो ऐसे पंडितों से सुन के लाभ नहीं होता। तो भक्तगण परमेश्वर की सेवा में निरंतर लगे रहते हैं। भगवान उस जीव विशेष की मानसिकता तथा निष्ठा से अवगत रहते हैं जो कृष्ण भावना भावित होता है, और उसे ही वे भक्तों के सानिध्य में कृष्ण विद्या को समझने की बुद्धि प्रदान करते हैं। कृष्ण की चर्चा अत्यंत शक्तिशाली है, और यदि सौभाग्यवश किसी को ऐसी संगति प्राप्त हो जाए और वह इस ज्ञान को आत्मसात करे तो वह आत्म साक्षात की दिशा में अवश्य प्रगति करेगा। तो दो चीज़ें, कृष्ण की चर्चा और साथ ही साथ भक्तों का संग। तो कृष्ण की चर्चा भक्तों के मुख से सुनने से हमें शीघ्र प्रगति होती है। कृष्ण अर्जुन को अपनी अलौकिक सेवा में उच्च से उच्चतर स्तर तक उत्साहित करने के उद्देश्य से इस नवे अध्याय में उसे परम गुह्य बातें बताते हैं जिन्हें इसके पूर्व उन्होंने अन्य किसी से प्रकट नहीं किया। तो भगवान चाहते अर्जुन और ऊपर, गुरु का कर्तव्य होता है शिष्यों को और ऊपर धीरे धीरे ले जाए। भगवद गीता का प्रथम अध्याय शेष ग्रंथ की भूमिका जैसा है। भगवद गीता प्रथम अध्याय शेष ग्रंथ की भूमिका जैसा है, मतलब इस पूरे ग्रंथ का इंट्रोडक्शन है कि युद्ध हो रहा है। क्या हो रहा है प्रथम अध्याय में? क्या हो रहा है? सैन्य निरीक्षण, कैसे सेना कैसे सजीवी है, और अर्जुन का मोहग्रस्त होना। तो वैसे ही दुनिया में परिस्थिति ऐसी होती कि हम लोग भी क्या हो जाते हैं? मोहग्रस्त हो जाते हैं। क्या होते हम लोग? पागल हो जाते, समझ में नहीं आता क्या करें। जैसे अर्जुन को समझ में नहीं आ रहा करे क्या, गुरु को मारे कि नहीं मारे, पितामह को मारे कि नहीं मारे, मारे तो प्रॉब्लम, नहीं मारे तो। एक व्यक्ति ने अपने बच्चे को मेहनत करके पढ़ाया, बहुत पढ़ाया, उसके खानदान में किसी को पढ़ाया नहीं गया था, उसने अपने बेटे को पढ़ाया तो बेटा डॉक्टर बन गया लखनऊ में, बहुत अच्छा पढ़ लिख के, मतलब गवर्नमेंट कॉलेज में उसका सीट मिल गया, डॉक्टरी कर लिया, फिर डॉक्टर का प्रैक्टिस। करोना काल आया, वो इलाज कर रहा था, उसी को करोना पकड़ लिया, मर गया। अब पिताजी एकदम, मतलब अब बोलते मेरे को कोई उत्साह नहीं है जीवन, इतना मेहनत करके मैं 40 साल उसको डॉक्टर बनाया, ये किया वो किया, वही चला गया, अब उनको समझ में नहीं आ रहा क्या। दो बेटा और है छोटा, उसको तो पढ़ाओ लिखाओ, लेकिन उसका बोला अब कुछ नहीं करेंगे, अब कुछ हम। तो जीवन की परिस्थिति ऐसी है कि आपके आपको क्या कर सकती हैं? चेकमेट कर सकती हैं। तो अर्जुन क्या हो गया? चेकमेट हो गया, क्या करे नहीं करे। तो इसीलिए, लेकिन जब उसने दिव्य ज्ञान सुना तो फिर वो फिर से उत्साहित। तो प्रथम अध्याय के अंत में अर्जुन राम बोलता है मैं अब कुछ नहीं कर सकता। तो जीवन की परिस्थिति आदमी को निरुत्साहित कर सकती। एक व्यक्ति ने जुए में 45 लाख रुपया हार गया, नया लड़का था, हल्दिया का पास आउट था, वो जुआ में पैसा लगाने लगा, कितना लगा दिया? वो क्रिप्टो करेंसी ये सब आती है, 5,000 रुपये लगाया तो 15,000 हो गया, महीने में 1,00,000 रुपये कमाने लगा, 6 महीने में 10,00,000 रुपये कमा लिया। पिताजी बोले बहुत अच्छा बात बेटा, हम तो 10, वो पिताजी रिटायर होने वाले थे,
बोले हम 40 साल में बेटा 27 लाख का ग्रेजुएटी किए, तुम तो 6 महीना में 10 लाख कर लिया, वाह बेटा लो मेरा भी 27 लाख लगा दो। और लगाया सब हरी बोल, फिर पैसा बैंक सीज कर लिया उसका, 5-10 लाख रुपया अकाउंट दे ही नहीं रहा था, बोला 20% ये देना पड़ेगा। तो माँ का 6 लाख का जेवर भी उसने लगा दिया, वो भी गया। कोई बोला FMC में कहीं पर जॉब मिल जाएगा 15 लाख रुपया दो, उसमें दिया 15 लाख, वो भी 1 महीना में कितना का नुकसान हो गया, 45 लाख। हल्दिया कॉलेज का लड़का, लेकिन वॉइस में ट्रेनिंग नहीं लिया तो मन लो आ गया, वॉइस में ट्रेनिंग लिया नहीं तो लोभ आ गया, तो 45 लाख का नुकसान। आजकल ये चला हुआ है जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में, थोड़ा कमाया भी शुरू शुरू में, लेकिन अभी 45 लाख, उसको रात को नींद नहीं आता। तो इसलिए जीवन में परिस्थिति आदमी को पागल कर सकती है, लेकिन अर्जुन ने क्या किया, किसकी शरण ली, कृष्ण की। तो जीवन में कोई भी स्थिति में अगर भगवान की शरण कोई लेगा तो धीरे धीरे सब परिस्थितियों से पार कर जाएगा। इसलिए भगवत का प्रथम अध्याय शेष ग्रंथ की भूमिका जैसा है, द्वितीय तथा तृतीय अध्याय में जिस आध्यात्मिक ज्ञान का वर्णन हुआ है वह गुह्य कहा गया है। दूसरा और तीसरा अध्याय में कौन सा ज्ञान है, गुह्य ज्ञान। क्या ज्ञान है, कि हम शरीर नहीं आत्मा, इसको बोलते हैं गुह्य ज्ञान। और सातवें तथा आठवें अध्याय में जिन विषयों की विवेचना हुई है वे भक्ति संबंधित है और कृष्ण भावना में प्रकाश डालने के कारण गुह्यतर कहे गए। और सातवें अध्याय और आठवें अध्याय क्या बोला गया है, गुह्यतर। पर दूसरा और तीसरा अध्याय गुह्य, सातवां और आठवां गुह्यतर, क्योंकि इसमें बताया गया भगवान की कैसे भक्ति करनी चाहिए सातवें और आठवें। और 9वें अध्याय में बताया गया शुद्ध भक्ति कैसे होती, कैसे भगवान अपने भक्तों के लिए सब कुछ बेच सकते। तो 9वां अध्याय में क्या दिया गया है, शुद्ध भक्ति। दूसरे और तीसरे अध्याय में हम आत्मा है, शरीर नहीं, कर्मयोग करो, शरीर से आसक्त मत हो। लेकिन 7वें अध्याय में अठवें भगवान सब चीज़ के स्रोत है, उनकी सेवा करनी, किसी भी प्रकार से कुछ चाहिए भी तो भगवान के पास जाओ। और 9वें अध्याय में शुद्ध भक्ति, भगवान सब कुछ के स्रोत है, उनसे मांगने की जरूरत, उनसे बस प्रेम करो। तो सबसे गहरा कौन सा ज्ञान है, 9वां अध्याय, इसको गुह्यतम बोलते हैं। किंतु 9वें अध्याय में जो अनन्य शुद्ध भक्ति का वर्णन हुआ है फलस्वरूप यह परम गुह्य कहा गया है, जिससे कृष्ण का यह परम गुह्य ज्ञान प्राप्त है वह दिव्य पुरुष है। क्या है वो, जो ये समझ गया कि अगर मैं कृष्ण से पूरी सृष्टि आ रही है, क्या आ रही है, पूरी सृष्टि, अहम सर्वस्व मत्ता सर्वम, सब कुछ कृष्ण से आ रहा है, तो अगर मैं कृष्ण का भजन करूंगा तो मेरे को सब कुछ नहीं मिल जाएगा। जो पूरे ब्रह्मांड को चला रहे उनको खुश करूंगा तो मुझे बाकी चीज नहीं मिल जाएगी क्या, तो इसको बोलते हैं शुद्ध भक्ति। तो यह ज्ञान परम गुह्य ज्ञान, जिसे कृष्ण का यह परम गुह्य ज्ञान प्राप्त होता है वो क्या कहलाता है, दिव्य पुरुष। इसलिए भक्त लोग क्या बोला गया है, दिव्य पुरुष। इसलिए आप लोग क्या है, दिव्य पुरुष। जो भगवान को पूर्ण रूप से शरणागत हो जाता है वो क्या कहलाएगा, दिव्य पुरुष। अतः इस संसार में रहते हुए भी उसे भौतिक क्लेश नहीं सताते, क्योंकि उसको पता है कि ये संसार तो जेल है। हमारे एक भक्त जिनका नाम था जॉर्ज हैरिसन, क्या नाम था, बहुत बड़े वो क्या थे, पंडित थे, बहुत बड़े सिंगर थे, बहुत अच्छा गाते थे, पूरे वर्ल्ड में लाखों करोड़ों फॉलोअर थे उनके, इतना अच्छा गाते थे। तो जब वो मरने लगे तो उनके कुछ मित्रों ने बताया मरने के बाद कि हमने देखा कि लोग जब मरते तो कांपने लगते, हमने बहुत लोगों मरते देखा है, लेकिन जॉर्ज को जब हमने देखा, उसकी उम्र भी 60 साल हो गई थी, तो वो मरते समय भी हंसते रहता था। हम लोग बोलते थे अरे क्या हुआ, बोला मैं अपने दोस्त के पास जा रहा हूँ। कहाँ जा रहा हूँ मैं अपने दोस्त के पास जा रहा हूँ, समझ रहे हैं। तो
सोचिए मरते समय सब लोग घबरा जाते लेकिन वो क्या बोलते थे, दोस्त के पास जा रहा। तो इसीलिए जो यह ज्ञान प्राप्त कर लेता है संसार में रहते